एक बार फिर से सोशल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में गाइस सब सबका स्वागत है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप हम घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे गाइस और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज है गाइस, सबको पता है ये भैया दूजिया जो कि हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है और काफ़ी इसकी कहानी पूरी है गाइस। तो इस ब्लॉग में काफ़ी हम बातें करेंगे और मैं अभी जा रहा हूँ गाइस, नहा धो के अभी तैयार हो गया हूँ फिट। अभी मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टर के घर और वहाँ पे लगाएंगे हम टीका और उसके बाद घर से निकल गए हैं और मेरे बाहर का व्यू कुछ इस तरह है और अभी हम इस गांव से निकल रहे हैं बाहर, निकल चुके हैं अपने घर से, वो भी बाईसाइकिल पे ही निकला हूँ। तो और अभी हम आगे मिलेंगे और अभी फिलहाल एक दीदी से मैंने टीका लगा लिया है। तो अभी जो मेरी चाची की लड़की है उनके घर जा रहा हूँ और वहाँ पे भी हमने टीका लगाया। उसके बाद काफ़ी कुछ आज सब रिश्तेदारों से मिलेंगे, कल काफ़ी देर होगी, दिवाली पे भी नहीं मैं सबसे मिल पाया और अभी हम जाएंगे आज मिल के आएंगे सबसे। तो गाइस तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये ब्लॉग पढ़ा है ज़बरदस्त रहेगा। तो जब चलते हैं आगे मैं रहता हूँ ना गाइस, यहाँ से काफ़ी जो रास्ता ना काफ़ी ख़राब था और आज यहाँ पर भी ठीक कर दिया है गाइस, देख सकते हो। और अभी जहाँ गाइस मैं रहता हूँ ना इस गांव इलाके में बहुत ही अच्छा वेदर और यहाँ की हरियाली बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस देखने का लायक। और अभी हम जा रहे हैं अपने सिस्टर के घर, बट यहाँ चढ़ाई आ गई, मेरा पैर बज गया गाइस। मैं अभी जंगलों के बीचों बीच से यहाँ से जा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो रास्ता कितना हरियाली वाला है और कितना सुंदर है गाइस व्यू। और इस तरफ अगर देखेंगे आप माँ कसम गाइस, नीचे देखो क्या है गाँव इलाके में, जैसे ये मक्की का जो बनाते हैं गाइस, तो काफ़ी देखने वाला व्यू है, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। तो अभी थोड़ा ही 5 मिनट का रास्ता आगे है, हम पहुंचने वाले हैं अपने सिस्टर के घर। तो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है गाइस, क्योंकि हरियाली यहाँ की बहुत अच्छी है, जम्मू के विलेज एरियाज जो है ना बहुत ही अच्छे हैं। तो एज सिटी बहुत कंजस्टेड है, लेकिन ये देखो कितने सुंदर बनाए हैं गाइस, ये हमारे गाँव में भी ऐसे लगाते हैं घास का और हरियाली एकदम मस्त गाइस, तो बहुत ही मज़ेदार है गाइस। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं, चलते हैं गाइस आगे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है ना कुछ स्पेशल है, पहले भी काफ़ी देर बाद में ब्लॉग बना रहा हूँ, इससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ अपने ही प्रॉब्लम्स में उजला होता हूँ मैं भी गाइस। तो आप भी कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करते होंगे, कुछ किसका सोल्यूशन निकल जाता होगा, किसी का रह जाता हो और किसी को आप ऐसे वेस्ट। तो काफ़ी हरियाली यहाँ पर देख सकते हो, यही है जाएगा ना आगे रास्ता हाईवे तक। गाइस यहाँ की जो हरियाली ना एकदम A1 है गाइस, तो रास्ता इतना साफ है और इतना चिकना है गाइस, और इस तरह में कनाल हाफ कनाल तो आपको दिखेगी नहीं, बट यहाँ की जो हरियाली है ना गांव इलाकों में गाइस का सबसे ऑसम है जम्मू ये विलेज। यहाँ देख सकते हो कनाल है गाइस इसके अंदर, और कनाल के साथ साथ है रोड है, और इतनी पतली रोड है गाइस, सिंगल रोड है बट ज़बरदस्त है गाइस। आगे थोड़ा कच्चा रास्ता था, मैं अभी कैमरे को ऑफ कर देता हूँ, फिर आगे मेरे को प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, अपना साइकिल रोकना पड़ेगा गाइस। तो ये भैंस भी मेरे को देख के डर रही है शायद, तो आगे नहीं बढ़ रही है, बट जैसे इसका मालिक पीछे से आएगा तो मैं जंगलों के बीच में वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी गायें यहाँ से आ रही है, तो निकले देंगे गाइस फिर आप आगे निकलेंगे। तो ये अगर इन्हें अपने सिंह से मेरे को वार किया तो गाइस मेरा तो बैंड बज जाएगा यहीं पे, तो मेरा भैया दूजा तो यहीं पे मना लूँगा फिर मैं। तो गाइस अभी मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, 1 मिनट के बाद निकलूँगा, इधर से भी गाइस और इधर से भी तो खाली हो गया, बट यहाँ मेरे को जाना नहीं, अभी ये निकल पड़ी है शायद ना छड़े मेरे को गाइस, मेरे ख्याल से ये कुट डर रही है। भगवान करे मेरे को ये छेड़े ना, बाकी सब मस्त है गाइस। तो अभी एक बाइक वाला भी आ रहा है, जैसे इनके स्कूटी वाला सॉरी, बैग खत्म हो गई और है आगे तो नहीं, और खत्म हो गया। तो फाइनली मेरे को रास्ता मिल गया है जाने के लिए, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि कब यहाँ रास्ता खाली हो जाएगा। तो ये है छोटी सी चिंगड़ी गाइस, हम पहुँच चुके हैं पुरखू कैंप जम्मू में। तो गाइस मेरे पीछे है डॉमी डॉमी डॉमी, तो गाइस देख सकते हो मेरे साथ है डॉमी जो कि बीमार है आज, तो और इसके साथ ही पीछे देख सकते हो क्या है बकरियां छोटी।
कुछ तो। यहाँ भी देख सकते छोटे छोटे बकरियों के बच्चे कितने प्यारे होते हैं। अभी हम दिखाएंगे गैस कुछ खास चीज। देख सकते हैं नन्हे वाले का कितना प्यारा चुगलू। चेस और मेरे साथ लकी है मेरा ऑपोजिशन करने वाला। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म होगी कहानी। खत्म गेम टोटली फेल। लगवा दिया, अभी हम जाएंगे दूसरी सिस्टर के पास और वहाँ पे भी टीका लगवाएंगे। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, ये हम हमारे दो भाई, देख रहे हैं वो टीके लगा दिए हुए हैं। अब आप और खुश है ना? अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अब जा रहे हैं बहन के घर। तो गाइस मिलती है आगे, तो स्टे कनेक्टेड। ये है लकी। तो एक बार हम फिर से आ चुके हैं दूसरे घर में, तो अभी हम यहाँ पे भी सिस्टर से अपने टीका लगाएं। लकी जो कि सुबह से उसको पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं और ये पानी से गुजारा चला रहा है अभी। तो फिर मिलते हैं, चल। टीके में सामान लगता है उसको हम जमा कर रहे हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस तो हम अभी खोने लगे हैं पिज्जा, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन मंगवाया नहीं हमने, खुद जाके होम डिलीवरी खुद करवाई हमने अपनी। खोलते हैं चलो आज। अरे गला सूख गया क्या तेरा? तभी तो बोल दो से बोला तो आओ चलो पिज्जा खोलते हैं, मजे से खाएंगे। तो खोलो। तो गाइस पानी आ गया मुंह में, देखते ही पोपट हो गया। छोटा पिज्जा पोपट हो गया, क्या हुआ? छोटा पिज्जा हो गया। छोटा पिज्जा है तो सस्ते में यही तो होता है। अरे नहीं यार, 500 वाले मंगाए। 500 वाला मंगाया था, छोटा मिल गया। कोई बात नहीं, कुलचे से गुजारा कर ले। चलो कोई बात, कुलचे से वाले से गुजारा कर ले, वो गाना नहीं है, नोकिया से गुजारा कर ले, चलो गाड़ी बंगला दिला दूंगा। ठीक है, ओके लकी। गाइस आज हम एक और नई चीज की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं गाइस, तो वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर के अखरोट। गाइस तो देख सकते हो पास में आने सकता। तो गाइस देखिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अखरोट है गाइस। तो मैं बता दूं कि जो हमारे जो अखरोट होते हैं ना, ये दो तीन किस्म के होते हैं। तो क्लियरली मैं बता दूं कि जो अखरोट होते हैं ना, आप लेने से पहले कंफर्म करें कि अखरोट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं बताऊंगा वो कि क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए अगर आपको अखरोट खरीदने हैं। मैं इसमें बता दूंगा, अगर ये अखरोट दांत से टूट जाता है, मगर आपके दांत ठीक ठाक होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए, दांत से टूट गया समझ लो वो अच्छी क्वालिटी का ही होगा ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर इसकी गरी चिट्टी होगी, साफ होगी, और इसकी जो बाहर की बॉडी है वो भी अगर एक सफ़ेद रंग की है, अच्छी खासी मतलब साफ है, काली नहीं है, ऐसे ये काला काला धब्बे नहीं है, इट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा अगर इसका साइज थोड़ा नॉर्मल और छोटा वाला साइज होगा तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, और इसकी गरी अगर टूटती नहीं है तोड़ने के बाद तो वो अच्छी क्वालिटी का। अगर वो दांत से नहीं टूटता, पत्थर से देर से टूटता, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वो बाटा अखरोट होते हैं जो टूटते नहीं, तो ये नॉर्मली टूट जाते हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। तो
गाइस देखो कितनी आराम से टूट गया, वो अलग बात है अंदर से खराब निकला, मतलब ये पुराना था तो ये सैंपल एक था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में अभी जो पुराना स्टॉक था वो तो खत्म हो गया है, तो जब नया आएगा गाइस तो आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास आता जाता रहता है स्टॉक। आप खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे तो आप खरीद सकते हो अपलोड, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड स्टॉक है, आप मेरे डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा वहां से। बाय बाय। और हम आए थे आज अपने चाचा जी के घर सबसे मिलने के लिए, तो आज खत्म हो गया ब्लॉग, तो बाय बाय। हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो बाय बाय। इधर से जा रहे थे।